तो भाई यार, अगर आपने राइस्टार को किसी लाइव स्ट्रीम में खेलते हुए देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि भाई यार, राइस्टार गेम के स्टार्ट होने से पहले से गेम के ख़त्म होने के बाद तक मतलब कुछ ना कुछ तो मूवमेंट करते रहते हैं। उनका करेक्टर एक जगह पर स्टिल नहीं होता, वो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि उनका हैंड स्पीड और मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज होता है। तो आपको भी कुछ इस तरह करना है, अपने करेक्टर को एक जगह पर स्टिल मत रखो, कुछ ना कुछ छोटा मोटा मूवमेंट करते रहो। इससे क्या होगा कि आपका हैंड स्पीड और करेक्टर स्किल मूवमेंट भी बहुत ही अच्छा खासा इंप्रूव हो जाएगा। इससे आप भी बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। तो भाई यार, अगर आपने राइस्टार के मोंटेजेस देखे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि राइस्टार हेडशॉट मारने से पहले जिगजैग मूवमेंट का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि एनिमी उनके ऊपर एम सेट नहीं कर पाता है और एनिमी राइस्टार को हेडशॉट नहीं मार पाता है। तो यार, मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई यार, जिगजैग मूवमेंट सीख लो अच्छे से, राइस्टार भी यूज़ करते तो आपको भी यूज़ करना चाहिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यार, इस वीडियो को जरूर से देख लेना, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जरूर से जाकर देख लेना। हैंड कैम के साथ मैंने समझाया है जिगजैग मूवमेंट आपको कैसे करना होता है। अब यार, अगर आप भी मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको एक सेटिंग्स करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख जाएगा फ्री फायर में, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। सिंपली से जाने के बाद आपको कंट्रोल पे जाना है, कंट्रोल पे जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, वहाँ पर आपको फ्री लुक का बटन दिख जाएगा, उसको ऑफ किया हुआ रहेगा, सिंपली से आपको ऑन कर देना है। और फ्री लुक का जो बटन होता है उसको आपको अपने कस्टम हुड पे अच्छे से सेट करना है, जिससे आप उसके ऊपर टच कर पाओ या फिर उसे यूज़ कर पाओ। और भाई, इस बटन को आपको यूज़ करके मूवमेंट करने का ट्राई करना है। राइस्टार भी इस बटन को यूज़ करके कैमरा एंगल को चेंज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात की यार, फ्री लुक बटन से आप अपने कैमरा एंगल को ही सिर्फ चेंज कर सकते हो और आपके मूवमेंट के अंदर फ्री लुक बटन कोई भी काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कस्टम वगैरह खेल रहे हो, उस टाइम पे अगर कोई एनिमी या फिर कह सकते हो आपका दोस्त आपके गेम प्ले को देख रहा है, तो उस टाइम पे अगर आप फ्री लुक बटन को यूज़ करते हो तो आपका गेम प्ले उसको देखने को बहुत ही खतरनाक वाला मिलेगा। मतलब यार, आप लोग कह सकते हो फ्री लुक बटन बस मूवमेंट स्पीड को दिखावे के लिए होता है, मूवमेंट स्पीड में कोई भी असर नहीं करता है, कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। तो अगर आपको भी राइस्टार की तरह थ्री फिंगर कस्टम मोड पे स्विच होना है तो यार, लेफ्ट वाले वीडियो पर जरूर से क्लिक करो। और अगर आपको भी राइस्टार की तरह रोटेशन रैक सीखना है तो यार, राइट वाले वीडियो पर जरूर से क्लिक करना।